नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के विजयपुर नगर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर का चुनावी प्रचार करके उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान विजयपुर के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और मुरैना नगर निगम की महापौर शारदा सोलंकी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस को छोड़ने की वजह कांग्रेस की गलत नीति, राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना का विरोध और उनकी अनदेखी करना है। रामनिवास रावत ने कांग्रेस नेताओं के द्वारा विरासत टैक्स लगाने की योजना का विरोध करते हुए कहा कि ये टैक्स वो लोग लगाते थे जिन्हें भारत से बड़ी मुश्किल से बाहर किया है। उन्होंने कहा कि यह टैक्स इंग्लैंड में लगाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में रहते नहीं कर सका, इसलिए आप लोगों से बात करके मैंने बीजेपी की सदस्यता ली है ताकि मैं भाजपा जैसी अच्छी नीति वाली पार्टी में रहकर आपकी सेवा करूं। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।